नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की बड़ी खबर। नितिन गडकरी का बड़ा बयान, बोले ये पार्टी केवल मोदी शाह की नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। गडकरी के अपने बयान में कहा कि बीजेपी विचारधारा पर आधारित पर पार्टी है। यह कभी केवल नरेंद्र मोदी या अमित शाह की पार्टी नहीं बन सकती है। यह पार्टी ना कभी केवल अटल जी की बनी, ना कभी आडवाणी जी की, और ना ही यह कभी केवल अमित शाह या नरेंद्र मोदी की पार्टी बन सकती है। आगे उन्होंने कहा है कि बीजेपी विचारधारा पर आधारित पार्टी है, और यह कहना गलत है कि बीजेपी मोदी केंद्रित हो गई है। सीट आशंका पर गडकरी ने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव में खंडित जनादेश की आशंकाओं को भी खारिज किया। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी को पिछली बार से भी अधिक सीटें मिलेगी। पीटीआई को नितिन गडकरी ने कहा कि विपक्ष ने बीजेपी के विकास के एजेंट को पटरी से उतारने के लिए चुनाव में जातिवाद और सांप्रदायिकता के जहर को लाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे यकीन है कि लोग हमारे साथ होंगे और हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि हर चुनाव में देश की सुरक्षा पर चर्चा हुई। पीएम द्वारा अपने भाषणों में बार बार पाकिस्तान और सेना का जिक्र करने का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल हाल ही में पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों का जवाब भारत को देना पड़ा। राष्ट्रवाद को हमने मुद्दा नहीं बनाया है, बल्कि मीडिया ने बालाकोट सैन्य कार्रवाई पर उठे सवालों को चर्चा में लाकर इसे मुद्दा बना दिया। मायावती ने पूछा, जन्म से पिछड़े होते नरेंद्र मोदी तो आरएसएस उन्हें कभी पीएम बनने देती। लोकसभा चुनाव के लिए छठे पेज की वोटिंग 12 मई से ठीक पहले यूपी में सियासी दलों के बीच जुबानी जंग और तीखी होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम राजनीतिक स्वार्थ के लिए जबरदस्ती पिछड़ी जाति के बने हैं। अगर मोदी जन्म की पिछड़ी जाति के होते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हें कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनाती। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट करके पीएम मोदी पर निशाना साधा। मायावती ने पहले ट्वीट से मोदी के गठबंधन पर जातिवाद होने के लगाए गए आरोप पर पलटवार किया है। मायावती ने ट्वीट किया, पीएम मोदी ने अब और कुछ नहीं तो गठबंधन पर जातिवाद होने का जो आरोप लगाया है वह हास्यास्पद और अपरिवर्तित है। जातिवाद के अभिशाप से पीड़ित लोग जातिवाद कैसे हो सकते हैं? मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, इसलिए उन्हें जातिवाद का दंश नहीं झेला है और ऐसी मिथ्या बातें करते हैं। पी चिदंबर ने पीएम मोदी पर बोला हमला। पी चिदंबर ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा तथ्यों की जांच किए बिना झूठ क्यों बोलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के INS विराट का इस्तेमाल छठी छुट्टी मनाने के लिए करके संबंधित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के INS विराट के इस्तेमाल छुट्टी मनाने के लिए करने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबर ने शुक्रवार को सवाल किया कि आखिर मोदी को इतने झूठ कौन बताता है और वह तथ्यों की जाँच किए बिना बोलते क्यूँ है। चिदंबर ने UPA सरकार के समय की सर्जिकल स्ट्राइक का हवाला देते हुए ट्वीट किया, यदि प्रधानमंत्री को UPA सरकार के दौरान सीमा पर कार्रवाई के सबूत नहीं मिले तो इसका मतलब है कि जानकारी उनसे छुपाई जा रही है। आप उन जनरल से बात क्यों नहीं करते जिन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है और यह आखिरी बार भी नहीं है। तो MNS न्यूज आज की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।